क्या भैया मैं आज आ गया हूँ आपके किचन बार में और आपको दिखाने वाले हैं कि पावर चीज स्टाइल बिरयानी कैसे बनते हैं। आप तो हैदराबाद बिरयानी बहुत खाएंगे लेकिन आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पावर चीज स्टाइल बिरयानी। तो हमारे ये शेफ है जिसका एक्सपीरियंस 15 साल का, वो पावर चीज स्टाइल बिरयानी बनाते हैं। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कैसे बिरयानी बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हांडी को मिलाया गया, देख सकते हैं हांडी को लाएगा, अभी नमक डाल रहे हैं शेफ। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसे हो? क्या नाम है आपका? ओके, तो अभी आप बावर्ची स्टाइल बिरयानी बना रहे हैं ना? कब से बना रहे हैं आप बिरयानी यहाँ पर? 20 साल हो गया। 20 साल से बिरयानी बना रहे हैं? ओ माय गॉड, यहाँ पर देख सकते हैं हंडी लगा हुआ है और अभी चिकन मटन सब बना रहे हैं ना आप? ओके, तो ये होटल है और बहुत सारे स्टाफ भी है यहाँ पर, खाना बना रहे सब। तो फाइनली यहाँ पर बिरयानी अभी रेडी हो रहा है, अभी टाइम बज रहा है 10। अब 10 बजे स्टार्ट करें तो कितना बजे रेडी हो जाएगा बिरयानी? 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। 45 मिनट में पूरा चार हंडी बिरयानी रेडी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मसाला कश्मीरी चिल्ली वाटर डाल रहे आप? ओके, ये है मटन बिरयानी और यहाँ पर पानी लगाया गया है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी लगाया है ताकि इसमें 50 किलो राइस आ जाएगा। तो इस हिसाब से पानी लगाया है, इसमें फिर गोल गरम मसाला डालेगा ताकि फ्लेवर आ जाए इसका अच्छी तरह से। और ये देख सकते हैं सिर्फ कितनी ज़बरदस्त हाइजीन तरह से बिरयानी बनाया जा रहा है और अभी मसाला की रेडी हो रहा है यहाँ पर। ये मसाले निकाल दो यहाँ पर, ऑल गरम मसाला डाल रहे हैं, देख सकते हैं मसाला में राइस में डालने का? राइस में डालने का। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं मसाला, वाव, यहाँ पर दालचीनी और ये क्या है, ड्राई रोज और ये जावित्री और स्टार एनीस पूरा डाला जा रहा है यहाँ पर ताकि इसका अच्छा से फ्लेवर आ जाए। बावर्ची स्टाइल बिरयानी क्यों कहा जाता है इसको मैं आगे आपको बताता हूँ वीडियो में, पूरा देखना वीडियो, आपको मजा आने वाला है। यहाँ पर इलायची डाला जा रहा है तो पूरी तरह से सिर्फ कॉन्फिडेंसली बिरयानी बना रहे हैं, इसको कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है एकदम। इसका बिरयानी आप अगर खाओगे ना, परफेक्ट बिरयानी यार, बहुत दूर दूर से यहाँ पर कस्टमर आते हैं और 500,000 कस्टमर बाहर में वेट करते रहते हैं इसका बिरयानी खाने के लिए। यहाँ पर अभी कोरिएंडर डाला जा रहा है, देख सकते दबा के कोरिएंडर डाला जा रहा है, कोरिएंडर और पुदीना, यही तो टेस्ट है इसका, इससे फ्लेवर आता है जबरदस्त। ये यहाँ पर जाफरान, अगर आप दूसरा होटल में जाएंगे तो ये कलर ऐड करते हैं लेकिन ये हमारे शेफ जो है ना ये जाफरान ऐड करते, देख सकते हैं ये जाफरान को गर्म पानी में डालेगा ताकि इसका कलर खूबसूरत आ जाए, देख सकते हैं। अभी इसका कलर नहीं दिख रहा लेकिन कुछ देर बाद आपको कलर दिखने वाला है। ये हमारे शेफ बिरयानी में ला रहे, देख सकते हैं वाह क्या कलर आ रहा है आपका बिरयानी से, बहुत ही अच्छा दिख रहा है आपका बिरयानी, जबरदस्त मिला जा रहा है यहाँ पर बिरयानी, पहलवान शेफ लग रहा है भाई इधर। अभी क्या डालने से, ये दालचीनी पाउडर, वाह बावर्ची स्टाइल बिरयानी का तो यही खासियत है कि इसमें दालचीनी पाउडर दबा के जाता है और गरम मसाला इलायची पाउडर ताकि इसका फ्लेवर अच्छा आ जाए, जैसे बिरयानी में हुआ जाता है ना तो फ्लेवर अच्छा आता है इसमें। कस्तूरी मेथी, ये अभी कस्तूरी मेथी डाला यार, कस्तूरी मेथी, जब तक पानी कंटिन्यू उबाला जा रहा है अभी, जब तक अभी यहाँ पर ब्रीज तक डाला जा रहा है यानी कि फ्राई होने, देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में फ्राई होने डाला जाता है यहाँ पर। यहाँ पर अभी ब्राउन ऑनियन डाल रहे, देख सकते आप काफ़ी मात्रा में ब्राउन ऑनियन डाल रहे हैं ताकि इसका जो मसाला होता है ना काफ़ी कंसिस्टेंसी अच्छा बने और अच्छा मसाला इसका बनता है ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए बिरयानी का। अगर मसाला नहीं है बिरयानी में तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना खाने में। तो अभी आप क्या डाल रहे थे, कट डाल रहे ना? ओके, अभी कट डाल रहे हैं यहाँ पर, कट को ऐसे नहीं डाला जाता है लेकिन थोड़ा इसको मिक्स करने से कट का जो लंग्स रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए इसको पहले से मिक्स करके रख लिया। अभी देख सकते कट डाल रहे हैं यहाँ पर, काफ़ी अच्छा कलर आ रहा है। अभी कट डालने से फिर अभी इसका बिरयानी का कलर जो होता है ना कंसिस्टेंसी वो चेंज हो जाएगा, दिखाते हैं मैं आपको। अभी डाल रहे इलायची पाउडर, वाह बावर्ची स्टाइल बिरयानी।
देख सकते हैं पूरा चार अंडे में इलायची पाउडर। अभी इसको अच्छी तरह से मिलाया जाएगा। रगड़ के मिला रहे हैं। यहाँ पर ऑयल और घी को एक साथ मिला जा रहे हैं। सिर्फ क्यों ऑयल घी एक साथ क्यों मिला रहे हैं आप? 150 ग्राम एक हंडी में 150 ग्राम घी और ऑयल को डाला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 150 ग्राम घी। अब इसको मिलाया जाएगा। फिर मिलाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं रखना, जितना मिलाओगे आप उतना फ्लेवर इसका निकलेगा। यहाँ पर अभी ऑल गरम मसाला को डाला जा रहा है। देख सकते हैं इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जाता है ना सेफ? जिंजर गार्लिक पेस्ट, चिली पेस्ट। ओके, चिली पेस्ट भी जाता है ऑल गरम मसाला भी। अभी देख सकते हैं ये थोड़ा सा उबल जाए ना, उसमें उसके बाद इसमें राई डाला जाएगा। सीधा पानी को, अभी इसमें पानी जा रहा है गर्म पानी। ठीक है, गर्म पानी किस लिए डालते सिर्फ? ये अच्छा से दम होने के लिए। अच्छा, दम होने के लिए आप गर्म पानी यूज़ करते हैं, यहाँ पर ठंडा पानी यूज़ नहीं करते? नहीं नहीं। ठीक है, मटन चिकन अच्छा से अंदर तक पक जाता मसाला तो। ओके ओके, मटन चिकन अच्छे से इसको टेंडराइज करने के लिए पानी डाला जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जितना दम के हिसाब से पानी डालना है। ये कि अगर आप कम क्वान्टिटी में बना रहे हैं तो उतना हिसाब से पानी डालना आपको, है ना सिर्फ? ओके, अभी फिर से मिलाया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं पानी डालने के बाद फिर से मिलाया जा रहा है। यहाँ पर मोटा नमक डाला जाता है। अब इतना सा पानी में आप पतला नमक डालेंगे तो फिर आप तो गरीब हो जाएंगे भाई, इसलिए मोटा नमक डालते हैं। पानी के हिसाब से आपको डालना है। अभी 50 किलो राइस डाला जा रहा है। देख सकते हैं राइस को पहले से सोख कर लिया गया है एक घंटा के लिए, इसमें राइस डाला जा रहा है। अभी यहाँ पर राइस डाला जा रहा है, कच्चा राइस निकाला जाता है। 60% को होने पर राइस को निकाला जाता है ताकि उसका जो नीचे का मसाला का राइस होता है ना वो काफ़ी अच्छा निकल। पर इसका कपड़ा लगाया जा रहा है। यहाँ पर घी डाला जा रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर ढक्कन लगाया जा रहा है। मार दो नीचे लो, नीचे का इसके पास कुछ चढ़ा उसके ऊपर। अरे क्या कर इसको, आधा घंटे के लिए दम लगाया गया है।
उसको खोला, उसको उसको।